दो कर दिए, तीन गलती से हो गए, चार गलती से हो गए, सौ सौ करके गलती से हो गए। जब वो कानून के मुताबिक काम जिंदगी नहीं जी रहा, कानून के मुताबिक काम ही नहीं कर रहा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके मुताबिक वो जिंदगी जो ही नहीं रहा, और उसके तहत तो फैसलिटी कैसे ले रहे हैं। जिनके ऊपर राष्ट्र को मान होना चाहिए, वो रोजगार पैदा करेंगे, वो बाहर से पैसा ला के अपने खजाने में देंगे, मतलब अब ये तक बोलते हैं समझिए, दीप मंगल अंबिया को अगर ना मारते तो हम किसी को ना मारते, भाई तू तो हमारा भरा है। सारा कुछ खत्म हो गया जी, वो भी साढ़े पत्नी थी, वो खत्म हो गया, साढ़ा इतना बढ़िया जवाब थी, वो खत्म हो गया। जे इन्हों की कोई तकलीफ है, साढ़े जवाकों के भरा क्यों कहें, वो साढ़ा भरा मारता थी, वो भरा का बदला लेना चाहते। बात की एक बात है, साधा बच्चा फकर एक साल जवाक थी, इन्होंने उन्होंने बिल्कुल देख पूरा मारता, इन्होंने जड़ा पट्टिया जा रही है। चाहता हूँ कोई क्राइम की सीमा तो हो, किसी ने एक पत्ते कर दिया, किसी ने दो कर दिए, तीन गलती से हो गए, चार गलती से हो गए, सौ सौ पत्ते गलती करो। कितना है ब्रे? वो तो कमर्शियल बंदे हो। हेलो प्रधान है, इधर गलती वो अंदर जा रहे हैं। अंदर सीमा तो मारनी चाहिए, किसी बंदे को जवान भी देना होगा या उसकी सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, वो उसका करेक्टर देखते नहीं है। एक आदमी बोलता है अदालत में एप्लीकेशन लगाता है, वो बोलते मेरे को बहुत खतरा है, तो उसको अदालत को उसका काम भी देखना चाहिए, ये काम क्या करते हो आप, में इतना खतरा क्या होना है। अगर वो बोलेगा मैं तो कतल करता हूँ, फिर देता हूँ, तो फिर उसको सुरक्षा मिल जाएगी। जब वो कानून के मुताबिक काम जिंदगी नहीं जी रहा, कानून के मुताबिक काम ही नहीं कर रहा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके मुताबिक वो जिंदगी जो ही नहीं रहा, और उसके तहत तो फैसिलिटी कैसे ले रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? पिछले 50 कत्ल कर दिए और इकलौते जो आके जो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए जाना भरने वाले बच्चे, जो सेल्फ एम्प्लॉय रोजगार पैदा करने वाले बच्चे मार दिए, जो उद्यमी बच्चे हैं, जो जिनके ऊपर राष्ट्र को मान होना चाहिए, वो रोजगार पैदा करेंगे, वो बाहर से पैसा ला के अपने खजाने में देंगे, ऐसे बच्चों को तो मार रहे हैं। सर ये तो छाती ठोक कर जिंदा कैसे हो अभी तक, ये छाती ठोक के कहते हैं कि हमको हमने बदला लिया, किस बदला क्या किस चीज का बदला, क्या बदला है उसका मतलब है। अब ये तक बोलते हैं समझिए, दीप नंगल अंबिया को अगर ना मारते तो हम सिद्धू को ना मारते, भाई तू तो हमारा भरा है, संदीप नंगल अंबिया तो सिद्धू तो रोज करते हैं, सिद्धू का रोल है, मैं टीवी के ऊपर बैठ कर तैयार हूँ। गोल्डी ब्रांड ने भी पोस्टर सर जी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म की धमकियां आ रही थी और ठीक है उनकी जो है सिक्योरिटी टाइप जाती है, पहले किससे कौन ऐसा हो जाती है, इस पूरे एंगल को आप किस तरह ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, दैट किस लिए आ रहे हैं, मैं बीटी एक पीएसटी तैयार भी कर रहा हूं सेलिब्रिटी है, उसको 16 गठबंधन दे के 8 कर दिए, 8 से 4 कर दिए, 4 से 2 कर दिए, क्या वजह थी? आंटी ये बताइए कि हमें सबसे बात करनी नहीं आती है, मैं वो करके सोता हूँ, एक लौता बच्चा जाना बहुत बड़ा दर्द होता है, तो इस दर्द को आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, क्या चलता रहता है, चीजें आगे जाना मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, ਇਹ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਿਖ ਤੋਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲਿਖ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮਰ ਗਿਆ लेकिन बेटे को वापस आएगा क्या था किस तरह से आप मतलब बहुत ऐसी बात नहीं पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा मिस करते हो आप दोनों जने राजे तो शुरू से साथ थी ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟੋਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੋਏ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੌ ਸੌ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਏ ਮਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ